हेलो नमस्ते साथी, स्वागत है तपाईलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसन में। आज को भिडियो 37 में 50 वटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू सेट लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि 1062 देखि 1112 सम्म छ। र यो 50 वटा एमसीक्यू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुने छ। र यो सेटहरु चाहिँ 2000 क्वेशन जुन दिन कम्प्लिट भइसक्छ त्यो दिन तपाईहरुलाई सबैलाई कमेन्ट को रिप्लाई को मार्फत सबैलाई एउटा लिंक गुगल ड्राइव को एउटा लिंक प्रोवाइड गर्ने नै छु। त्यही भएर भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सबैलाई म कमेन्ट को रिप्लाई मा चाहिँ यही लिंक प्रोवाइड गर्छु, जसमा 2000 क्वेश्चन हुन्छ र पछि चाहिँ ओब्जेक्टिव गुरु को यही बुक को चाहिँ यो पीडीएफ चाहिँ म प्रोवाइड गर्छु, जुन कि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 2000 क्वेश्चन पछाडीपट्टि छ, त्यो चाहिँ म प्रोवाइड गरिदिन्छु। त्यो चाहिँ प्रिपेयर गर्नु होला, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ आउँदो लोकसेवा एग्जाम को लागि पनि र अहिले जुन भइसकेको छ लोकसेवा एग्जाम को त्यसको पनि प्रीवियस इयर र आउने कमिंग एग्जाम को लागि पनि तयारी हुनेछ। ल जाऊ आज को सेट को पहिलो क्वेश्चन तिर। आज को सेट को पहिलो क्वेश्चन में रहेको छ, द अमाउंट इन्क्लुडेड इन द एस्टिमेट एंड बीओक्यू फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी डन फॉर अननोन डिटेल्स एट द टाइम अफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट इज। यसको चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ? ए मा छ कन्टिजेन्सी अमाउंट, बी मा छ प्रोविजनल सम, सी मा छ ओवरहेड अमाउंट, डी मा छ रिटेन्सन अमाउंट। त 1062 को चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ? 1062 को सही आंसर बी हुन्छ। प्रोविजनल सम लाई यही डिफिनिशनमै छ, द अमाउंट इन्क्लूड इन द एस्टिमेट एंड बीओक्यू फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क टू बी डन फॉर अननोन डिटेल्स एट द टाइम अफ प्रिपेयरिंग एस्टिमेट इज प्रोविजनल सम, यसलाई भन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1063 में के छ? डिटेल्स एस्टिमेट इज एकम्पेन्ड विथ ए मा छ रेट एनालाइसिस, बी मा छ ड्रइंग डिजाइन क्याल्कुलेसन, सी मा छ जनरल स्पेसिफिकेसन एंड पार्टिकुलर स्पेसिफिकेसन, डी मा छ नन। त 1063 को चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ? त 1063 को चाहिँ सही आंसर बी हुन्छ। डिटेल एस्टिमेट इज एकम्पेन्ड विथ ड्रइंग डिजाइन एंड क्याल्कुलेसन, बी चाहिँ सही आंसर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1064 में के छ? द क्वांटिटीज अफ वुड वर्क इन द डोर फ्रेम हैविंग क्लियर ओपनिंग इन द वॉल इज 7 फीट बाय 4 फीट एंड चौखट आर अफ 4 इंच बाय 3 इंच, द एंड अफ द होरिजेंटल चौखट प्रोजेक्ट 6 इंच, होरन्स अन द ईच साइड इंटू द वॉल इज। यस्तो क्वेश्चन चाहिँ सोधेको त धेरै पटक छ, तर सेमै क्वेश्चन सोध्छ, त्यही भएर यति क्याल्कुलेसन चाहिँ नगर्नु होला। डाइरेक्ट यस्तो क्वेश्चनहरुको आन्सर चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। 1064 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ? त ए चाहिँ 4 क्युबिक फिट हुन्छ। अब 1065 मा छ, द फ्लोर एरिया इन्क्लुड्स द एरिया अफ बाल्कनी अप टु, एरिया बाल्कनी कति इन्क्लुड गर्छ? 1065 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 25%। द फ्लोर एरिया इन्क्लुड्स द एरिया बाल्कनी अप टू द 25%। 1065 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी 1066 मा के छ? द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ए3 साइज सीट इज, ए3 साइज को लागि स्ट्यान्डर्ड साइज के हुन्छ? त 1066 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए 297 × 420, किनकि ए फोर को के हुन्छ यसरी याद गर्नु होला, ए फोर को हुन्छ 210 × 297। त त्यही अब ए थ्री ले गर्नु भयो भने त्यही 297 लिनु र यसलाई चाहिँ डबल ले मल्टिप्लाई गर्नु, त 297 × 420 हुन्छ। त्यसरी नै यदि ए टू भन्दाखेरि यसलाई लिनु 420 र 297 दुईले मल्टिप्लाई गर्दा 300 में 6 घट्यो, यानी कि 500 600 चाहिँ यसको 297 × 2 गर्दाखेरि जति आउँछ 594 आउँछ, त्यति चाहिँ ए टू को साइज को पेपर हुन्छ। यसरी याद राख्दा चाहिँ कहिले पनि बिर्सनु हुन्न। अब क्वेश्चन नंबर चाहिँ 1067 में के छ? 1067 में द वर्किंग स्पेस अन द ड्रइंग पेपर इज डिटरमाइंड बाय,
वर्किंग स्पेस एंड ड्रॉइंग पेपर इज डिटरमाइंड बाय ए मास डेडर लाइन, बी मास ड्रॉइंग लाइन, सी मास सेंटर लाइन, डी मास बॉर्डर लाइन। तो 1067 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ बॉर्डर लाइन। वर्किंग स्पेस अन द ड्रॉइंग पेपर इज डिटरमाइंड बाय बॉर्डर लाइन। अब 1068 मा छ जनरली वर्किंग ड्रॉइंग इज निडेड फॉर टू प्रिपेयर द एस्टिमेशन फॉर डेवलपमेंट अफ स्पेसिफिकेशन, सी मा छ टू प्रिपेयर बिल अफ क्वांटिटीज, डी मा छ नन अफ द अबव। तो 1068 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको None of the above, generally working drawing is needed for, इसको चाहिए सही आंसर D छ, none of the above। अब 1069 में के छ, the hardness and softness of the quality of pencil is determined by H and B series, with HB as a medium grade, the series HB, B, 2B, 3B, 4B is thus a series showing its, यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, ए मा छ इन्क्रीजिङ हार्डनेस, बी मा छ इन्क्रीजिङ सफ्टनेस, सी मा छ इन्क्रीजिङ सफ्टनेस, अब डी मा छ नन अफ द अबव। त 1069 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी इन्क्रीजिङ सफ्टनेस। बी सेरीज चल्दैछ, बढ्दै जाँदैछ, बी चाहिँ सफ्टनेस को लागि हुन्छ र एच चाहिँ हार्डनेस को लागि हुन्छ। यो चाहिँ जति बी बढ्दै गयो त्यति सफ्टनेस चाहिँ इन्क्रीज हुँदै जान्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 1070 मा छ, द व्हाइट प्लेस प्यालेस इन बसन्तपुर दरबार स्क्वायर गेव कम्प्लिट, द व्हाइट प्यालेस इन बसन्तपुर दरबार स्क्वायर गेव कम्प्लिट .. टू इट्स सराउन्डिङ, ए मा छ कन्ट्रास्ट, बी मा छ मोनोटोनी, सी मा छ कम्बिनेसन, डी मा छ अनप्रोपोर्सन। त 1070 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए कन्ट्रास्ट, कन्ट्रास्ट गेव द कम्प्लिट कन्ट्रास्ट टु इट्स सराउन्डिङ, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। 1071 मा के छ, एनी पार्ट अफ अ स्ट्रक्चर बिल्डिङ मा चाहिँ दैट सिम्बोलाइज इट्स क्यारेक्टर इज नोन एज, ए मा छ फोकल पॉइंट, बी मा छ अनसिमेट्री सिटी, डी मा छ ल्यान्डमार्क, सी मा छ ल्यान्डमार्क, डी मा छ ब्यूटी। त 1071 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए फोकल पॉइंट, एनी पार्ट अफ अ स्ट्रक्चर इन बिल्डिङ दैट सिम्बोलाइज इट्स क्यारेक्टर इज नोन एज फोकल पॉइंट, ए चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब 1072 मा के छ, विच अफ द फलोइङ टर्म यु वुड एप्लाई फर द भीमसेन टावर धरहरा कन्स्ट्रक्टेड अराउन्ड सुनधरा काठमाडौँ, विच अफ द फलोइङ टर्म यु वुड एप्लाई फर द भीमसेन टावर। त यसको चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, ए मा छ फोकल पॉइंट, बी मा छ मोनोटोनी, सी मा छ युनिटी, डी मा छ अग्ली। त 1072 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी, 1072 को सही आन्सर युनिटी हुन्छ। विच अफ द फलोइङ टर्म यु वुड एप्लाई फर द भीमसेन टावर कन्स्ट्रक्टेड अराउन्ड सुनधारा काठमाडौँ, युनिटी यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 1073 मा के छ, द टर्म प्रोपोर्सन इन हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड इन्ट्रोड्युस्ड फर फ्रम द टर्म प्रोपोर्सन इन हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड इन्ट्रोड्युस्ड फ्रम, ए मा छ इजिप्ट, बी मा छ रोम, सी मा छ नेपाल, डी मा छ ग्रीस। त 1073 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको बी रोमी, द टर्म प्रोपोर्सन इन हिस्ट्री अफ म्यानकाइन्ड इन्ट्रोड्युस्ड फ्रम रोमी। अब 1074 मा छ, व्हाइल बिल्डिङ मोडेल विच मेटेरियल आर मेनली युज फर द ल्यान्डस्केपिङ स्पेसली फर द ट्रिज एन्ड बसेज, ए मा छ कर्क वुड एन्ड फोएम बल्स, बी मा छ नेचुरल कलर्ड कार्डबोर्ड, सी मा छ कलर्ड क्राफ्ट सुट्स, डी मा छ नन। 1074 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी कलर्ड क्राफ्ट सुट्स। अब 1075 मा छ, कम्प्लिमेन्ट्री कलर स्किम इन्डिकेट्स, ए मा छ कलर इक्वली स्पेस्ड अराउन्ड द कलर व्हील, बी मा छ कलर दैट आर अपोजिट अन कलर व्हील, सी मा छ कलर्स लेइङ इन क्लोज प्रोक्सिमिटी अन कलर व्हील सेयरिङ सिमिलर फ्री एन्ड सेचुरेसन, डी मा छ नन। त 1075 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए कलर इक्वली स्पेस्ड अराउन्ड द
कलर व्हील कम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम इंडिकेट्स कलर इक्वली स्पेस्ड अराउंड द कलर व्हील। अब क्वेश्चन नंबर 1076 में कंक्रीट मिक्सचर इज ए में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बी में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सी में मैनुअल टेक्नोलॉजी डी में नन अफ द अबव। तो 1076 को सही आंसर हो सी मैनुअल टेक्नोलॉजी। अब 1077 में एस्थेटिक इज क्रिएटेड बाय ए में गुड प्रोपोर्शन अफ डिफरेंट एलिमेंट्स बी में यूजिंग मॉडर्न मेटेरियल सी में यूजिंग ट्रेडिशनल मेटेरियल डी में नन। तो 1077 को सही आंसर हो एस्थेटिक इज क्रिएटेड बाय गुड प्रोपोर्शन अफ डिफरेंट एलिमेंट। अब 1078 में के अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर अलाउज फॉर ए में एक्सपेंशन अफ बिल्डिंग वर्टिकली बी में एक्सपेंशन अफ बिल्डिंग होरिजेंटली सी में एक्सपेंशन अफ अ बिल्डिंग ट्रैवर्सली डी में नन। तो 1078 को सही आंसर हो तपाईको बी यूजिंग एक्सपेंशन अफ बिल्डिंग होरिजेंटली अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर अलाउज फॉर एक्सपेंशन अफ बिल्डिंग होरिजेंटली। अब 1079 में के अ डक्ट इज प्रोवाइडेड इन टॉयलेट ब्लॉक फॉर डक्ट किन प्रोवाइड गरिन्छ टॉयलेट ब्लॉक में ए में लाइटिंग बी में गुड भ्यू सी में भेन्टिलेसन डी में ब्यूटी। तो 1079 को सही आंसर कुन हुन्छ 1079 को सही आंसर हो सी डक्ट इज प्रोवाइडेड इन टॉयलेट ब्लॉक फॉर भेन्टिलेसन। अब क्वेश्चन नंबर 1080 में के सनसेट्स आर प्रोवाइडेड इन ए में ईस्ट बी में वेस्ट सी में नॉर्थ डी में ऑल ऑफ द अबव। तो 1080 को सही आंसर हो डी ऑल ऑफ द अबव सनसेट्स आर प्रोवाइडेड इन ऑल ऑफ द अबव। 1081 में के सनसेट प्रिभेन्ट्स के बाट प्रिभेन्ट गर्छ सन फ्रम इंटरिंग इंटू द बिल्डिंग बी में ह्यूमिडिटी फ्रम इंटरिंग इंटू द बिल्डिंग सी में इंसेक्ट फ्रम इंटरिंग इंटू द बिल्डिंग डी में नन। तो 1081 को क्वेश्चन बुझेक हो सन फ्रम इंटरिंग इंटू द बिल्डिंग सनलाइट इंटर न होना को लगी चाहे सनसेट चाहे प्रोवाइड गर्छ प्रिभेन्ट फ्रम सन फ्रम इंटरिंग इंटू द बिल्डिंग। अब 1082 में के मोनोटोमी इन अ बिल्डिंग ओकर्स व्हेन ए में देयर इज द यूज अफ डिफरेंट एलिमेंट्स बी में देयर इज अ सिंगुलर कलर यूज्ड सी में देयर इज अ रिपीटेशन अफ द सेम एबर्ट्स डी में नन। तो 1082 को सही आंसर हो तपाईको सी देयर इज अ रिपीटेशन अफ द सेम एबर्ट्स मोनोटोनी इन अ बिल्डिंग ओकर्स व्हेन देयर इज अ रिपीटेशन अफ अ सेम एवर्ट्स। 1083 में के स्टोन कोर्स इन स्टोन वाल जस्ट बिलो द कॉर्निस प्लेस्ड अलोंग द फेस अफ द वाल इज स्टोन कोर्स इन द स्टोन वाल जस्ट बिलो द कॉर्निस प्लेस्ड अलोंग द फेस अफ द वाल इज ए में फ्रोग बी में कोरबेल सी में फ्रिज डी में क्वीन। तो 1083 को सही आंसर हो तपाईको सी फ्रिज FRIEZD। अब क्वेश्चन नंबर 1084 में मिनिमम ग्रेड अफ कंक्रीट यूज फॉर द RCC इज। तो 1084 को सही आंसर हो तपाईको बी M20। अब 1085 में अ डेड लोड इज ए में वन दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट बी में वन दैट ड्यू टू द डेड बॉडीज सी में वन दैट इज डज नॉट एग्जिट एक्चुअली डी में इज मेनली ड्यू टू द सेल्फ वेट अफ अ ऑब्जेक्ट। तो 1085 को सही आंसर हो डी इज मेनली ड्यू टू द सेल्फ वेट अफ द ऑब्जेक्ट। अब 1086 में द मैक्सिमम रेशियो अफ द स्पैन टू डेप्थ अफ अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड एंड स्पैनिंग इन डायरेक्शन इज ए में 35 बी में 25 सी में 30 डी में 20। तो 1086 को सही आंसर हो तपाईको सी 30 द मैक्सिमम रेशियो अफ द स्पैन टू डेप्थ अफ अ स्लैब सिंपली सपोर्टेड को लगी स्पैनिंग इन डायरेक्शन इज 30 हुनु पर्छ वन डाइरेक्सन में स्पैनिंग भनेको छ यसको चाहिँ सही आंसर हुन्छ सी 30। अब 1087 में पोस्ट एंड लिंटल कंस्ट्रक्शन आर नेम्ड एज यसको चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ 1087 को चाहिँ सही आंसर बी हुन्छ
ट्रिवेटेड आर्किटेक्चर। अब क्वेश्चन नंबर 1088 में से इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेज सैंड बॉक्स मेथड इज यूज्ड और ए में से सेंटरिंग, बी में से एक्चुअल लेइंग ऑफ आर्च वर्क, सी में से स्ट्राइकिंग द सेंटरिंग, डी में से नॉन। तो 1088 को चाहिए सही आंसर हो तपाईको सी स्ट्राइकिंग द सेंटरिंग। अब 1099 में के छ डबल रेनफोर्स्ड बीम इज यूज्ड, डबल रेनफोर्स्ड बीम कहाँ यूज हुन्छ। 1099 को चाहिए सही आंसर हुन्छ व्हेन द डेप्थ एंड विड्थ अफ द बीम हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड, त्यहाँ चाहिँ डबल रेनफोर्स्ड बीम चाहिँ यूज हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 1090 में के छ द बेस्ट मटेरियल फॉर पाइप्स टू बी लेड अंडर वाटर इज, अंडर वाटर को लागि द बेस्ट मटेरियल फॉर पाइप्स टू बी लेड अंडर द वाटर इज, यसको चाहिँ 1090 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको कास्ट आयरन। अब 1091 में छ इन स्ट्रक्चरल स्टील फैक्टर अफ सेफ्टी इज द नंबर बाय व्हिच द यील्ड स्ट्रेस अफ अ मटेरियल मटेरियल इज डिवाइडेड टू बी ओब्टेन द, 1091 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको डी वर्किंग स्ट्रेस। इन द स्ट्रक्चरल स्टील फैक्टर अफ सेफ्टी इज द नंबर बाय व्हिच द यील्ड स्ट्रेस अफ अ मटेरियल मटेरियल इज डिवाइडेड टू ओब्टेन द वर्किंग स्ट्रेस। अब 1092 में के छ एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन इज यूजली प्रिफर्ड एज कंपेयर टू द ओवर रेनफोर्स सेक्शन बिकज, किन चाहिँ अंडर रेनफोर्स सेक्शन प्रिफर्ड गर्छौं। त 1092 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ इट कॉज टेंशन फेलियर। अब 1093 में के छ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम ओकर वेयर, बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम हुन्छ। 1093 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ वेयर शेयर फोर्स चेंजेस इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर द शेयर फोर्स इज चेंजेस इट्स साइन। अब 1094 में के छ द मेन इन्ग्रेडिएन्ट अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट आर, ए में छ लाइम सिलिका, बी में छ लाइम एंड एलुमिना, सी में छ लाइम एंड एलुमिना, डी में छ लाइम एंड आयरन, सिलिका एंड एलुमिना सी में छ। 1094 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ लाइम एंड सिलिका मेन इन्ग्रेडिएन्ट अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट। अब 1095 में के छ ड्यूरिंग द सर्वे वर्क इनएसेसिबल पॉइंट ऑन अ प्लेन आर प्लोटेड बाय, ए में छ एक्स्ट्रापोलेसन, अब बी में छ ट्रैवर्सिंग, सी में छ रिसेक्शन, डी में छ इंटरसेक्शन। 1095 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको इनएसेसिबल पॉइंट छ भने इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 1096 में छ मिनिमम इनिशियल सेटिंग टाइम रिकमेंडेड फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन मिनट इज, 1096 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको ए 30 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 1097 में छ मोर सर्कल इज ऑब्टेन्ड बाय प्लोटिंग, ए में छ नॉर्मल स्ट्रेस, बी में छ नॉर्मल एंड शेयरिंग, सी में छ शेयरिंग स्ट्रेस, डी में छ प्रिंसिपल एंड शेयरिंग स्ट्रेस। 1097 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको बी नॉर्मल एंड शेयरिंग स्ट्रेस। अब 1098 में छ द लेंथ अफ रनवे इज इंक्रीज्ड पर 300 मीटर राइज एबव मीन सी लेवल इज, ए में छ 3%, बी में छ 5%, सी में छ 7%, डी में छ 9%। तो 1098 को चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ, 1098 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको सी 7%। अब क्वेश्चन नंबर 1099 में छ द मैक्सिमम यूनिट प्रेशर दैट अ सोइल कैन विथस्टैंड विदाउट रप्चर इन शेयर इज कॉल्ड, मैक्सिमम यूनिट प्रेशर दैट द सोइल कैन विथस्टैंड विदाउट रप्चर इन शेयर इज कॉल्ड, ए में छ बेयरिंग कैपेसिटी, बी में छ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, सी में छ एलोवेबल बेयरिंग कैपेसिटी, डी में छ अल्टिमेट बेयरिंग कैपेसिटी। तो 1099 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको बी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। अब 1100 में के छ एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट अफ इक्वल इलिभेसन अन द सर्फेस अफ अर्थ रिप्रेजेंट, 1100 को चाहिँ सही आंसर कुन हुन्छ, 1100 को चाहिँ सही आंसर हुन्छ तपाईको सी कंटूर लाइन, एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट अफ इक्वल इलिभेसन अन द सर्फेस अफ अर्थ रिप्रेजेंट कंटूर लाइन। अब 1001 में छ ड्यू टू द कर्वेचर अफ द अर्थ द ऑब्जेक्ट, ए में छ लुक हायर देन इट इज,
बी मा छ लुक लोअर देन इट इज, सी मा छ लुक एज इट इज, डी मा छ लुक एज इट इज। अब यसको चाहिँ सही आन्सर हुन्छ 1001 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, बी लुक लोअर देन इट इज। अब 1102 मा छ के, व्हाइल सेटिंग अप अ प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन, ए मा छ सेन्टरिंग इज डन फर्स्ट, बी मा छ लेबलिंग इज डन फर्स्ट, सी मा छ सेन्टरिंग एन्ड लेबलिंग डन साइमल्टेनियसली, डी मा छ ओरिएन्टेसन इज डन फर्स्ट। अब 1102 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ सी सेन्टरिंग एन्ड लेबलिंग डन साइमल्टेनियसली। अब 1113 मा के छ, इन नेपाल रिटेनिङ वाल्स आर जेनरली बिल्ट विथ, ए मा छ स्टोन मेजनरी, बी मा छ ब्रिक मेजनरी, सी मा छ हेलो कंक्रीट ब्लक, बी डी मा छ बेम्बो। अब 1103 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 1103 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ स्टोन मेजनरी ले जेनरली हामी रिटेनिङ वाल बनाउने गर्छौं। अब 1104 मा छ द पर्पस अफ मिक्सिंग एडमिक्सचर टु द सिमेन्ट कंक्रीट इज, टु इन्क्रीज द रेट अफ स्ट्रेंथ, टु इन्क्रीज वाटर टाइटनेस, टु अब सी मा छ टु इन्क्रीज द स्ट्रेंथ, डी मा छ अल। त 1104 मा चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी अल अफ द अबव, टु इन्क्रीज वाटर टाइटनेस, टु इन्क्रीज द स्ट्रेंथ, टु इन्क्रीज द रेट अफ स्ट्रेंथ। अब 1105 मा छ, व्हेन ब्रिक इज कट इन्टु टु हाफ लोंगिट्युडिनली, वन पार्ट इज कल्ड किंग क्लोजर, बी मा छ क्वीन क्लोजर, सी मा छ कॉर्निश ब्रिक, डी मा छ नन। त 1105 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 1105 को चाहिँ सही आन्सर बी हुन्छ क्वीन क्लोजर। व्हेन द ब्रिक इज कट इन्टु टु हाफ्स लोंगिट्युडिनली, वन पार्ट इज कल्ड क्वीन क्लोजर। 1106 मा छ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्जर्टेड बाई द 2 मीटर डीप वाटर ग्रव, 2 मीटर डीप वाटर गेट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टु। 1106 को चाहिँ सही आन्सर कुन हुन्छ, 1106 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको ए, किनकि वाटर को चाहिँ गामा इन्टु एच गर्दिनु न, वाटर को युनिट वेट 10 लिन सक्नुहुन्छ र 2 मीटर डीप त 10 × 20 किलोन्यूटन हुन्छ। अब 1107 मा छ, विच इज द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्सन अफ द फलोइङ ओपन च्यानल क्रस सेक्सन, ए मा छ रेक्टेङ्गुलर, बी मा छ ट्रायंगुलर, सी मा छ ट्रेपिजोइडल, डी मा छ सेमी सर्कल। 1107 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी ट्रेपिजोइडल। 1108 मा छ, मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ अ रेक्टेङ्गुलर बीम इज मोर डिपेंड अन, ए मा छ विड्थ अफ द बीम, बी मा छ डेप्थ अफ द बीम, सी मा छ स्पान अफ द बीम, डी मा छ अल अफ द अबव। 1108 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको डी अल अफ द अबव। अब 1109 मा छ, द रेशियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु एक्सियल स्ट्रेन अफ अ होमोजेनियस मटेरियल इज नोन एज, ए मा छ यील्ड रेशियो, बी मा छ हुक रेशियो, सी मा छ पोइजन्स रेशियो, डी मा छ प्लास्टिक रेशियो। 1109 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी पोइजन्स रेशियो। 1110 मा छ, द रेशियो अफ ल्याटरल स्ट्रेन टु द एक्सियल स्ट्रेन अफ अ होमोजेनियस मटेरियल इज नोन एज, ए मा छ यील्ड रेशियो, बी मा छ हुक्स रेशियो, सी मा छ पोइजन्स रेशियो, डी मा छ प्लास्टिक रेशियो। 1110 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको पोइजन्स रेशियो इज द ल्याटरल स्ट्रेन टु द एक्सियल स्ट्रेन। अब 1111 मा छ, बेयरिङ क्यापेसिटी अफ अ सोइल इज डिटरमाइन्ड बाय, ए मा छ प्लेट लोड टेस्ट, बी मा छ स्ट्यान्डर्ड कोन टेस्ट, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी, डी मा छ सिभ टेस्ट। 1111 को चाहिँ सही आन्सर हुन्छ तपाईको सी प्लेट लोड टेस्ट एन्ड स्ट्यान्डर्ड कोन टेस्ट। अब म्याक्सिमम साइज अफ क्ले पार्टिकल इज ए हुन्छ 0.002। हस् त साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी 50 क्वेसन डिस्कस गरियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि 1112 लिएर फेरि 50 / 1163 डिस्कस गर्नेछौँ। आजको भिडियोमा यतिकै। यदि तपाईँलाई यसको पिडिएफ चाहियो भने आफ्नो मेल आइडी चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या त भिडियोलाई लाइक गरेर एउटा कमेन्ट राख्नुहोला। म पछि एउटा ड्राइभको लिङ्क चाहिँ कमेन्टको रिप्लाईमा गर्नेछु। हस् त साथीहरू, धन्यवाद।